पंजाब के लाड़रू मोहल्ले में सफाई करके चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतार रहे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष शर्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा नेशनल ग्रीन न्यूज़ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लाड़रू में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से मिल रहे हैं और अपना आने वाले चुनाव के बारे में चुनाव होने के उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सुभाष शर्मा जी, हाँ जी, आम आदमी पार्टी से आप हैं। सतारह वार्डों से आप 15 वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में आपकी पार्टी क्या बोलती है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी इलेक्शन मोड में नहीं थी। उसका कारण था कि जितने हमारे किसान वीर हैं, मजदूर भाई हैं या जितने नौजवान हैं, औरतें हैं, वो सब दिल्ली बॉर्डर पे बैठे थे किसानी संघर्ष को लेकर। आम आदमी पार्टी ने हरपाल सिंह जी ने, जरनैल सिंह जी ने दो तीन बार बात की कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से, तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन हम आगे नहीं कर सकते, इसलिए इसको मौके पर कराना ही ज़रूरी है। चलो, अब इलेक्शन का विघ्न बच चुका है तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है और उसी के मद्देनज़र आज हमारे लालू कौंसल से जो 17 कैंडिडेट हैं उनमें 15 कैंडिडेट हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं और 2 सीटों पे हम आज़ाद लोगों को समर्थन दे रहे हैं। उसमें हम आज की डेट में कांग्रेस पार्टी जो इलेक्शन लड़ रही है, अकाली दल है और बीजेपी है। अकाली दल बीजेपी का तो वजूद ही खत्म है, हमारा जो मुकाबला इस समय है वो कांग्रेस से है और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आम आदमी का कब्जा लाडू नगर कौशल पे होने जा रहा है 17 तारीख को। हाँ जी मैडम, स्वीटी मैडम, आप इसके बारे में क्या बोलेंगे आम आदमी पार्टी के बारे में? अपने देखो जी, आम आदमी पार्टी एक आम लोगों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है और जैसे हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम किए हैं और हम लोग, हमारी कौंसिल यहाँ बनेगी उसी लेवल पे। हम लोग यहाँ जैसे पानी का मुद्दा है और बिजली का है, हेल्थ को लेके, शिक्षा को लेके, हम उसी तर्ज पे काम करें। हाँ जी, और सर आपने कितने लीड से आप हमें लगते हैं? देखो सर, अभी तो इलेक्शन का बिगल बन चुका है और आज जो है नॉमिनेशन वापस लेने की लास्ट डेट है, शाम को 4 बजे जो है निशान सबको अलाट हो जाएंगे और आज पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी 11 बजे एक कंपेन शुरू कर रही है पूरे इलेक्शन की, जो है कि हम मोहल्ला सफाई से स्टार्ट कर रहे हैं। आज इस समय मैं खड़ा हूँ लाड़ू के चौक के ऊपर जहाँ हमारे 5 वार्ड इकट्ठा जुड़े हुए हैं और हमारे 17 के 17 जो कैंडिडेट हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं वो यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, चाहे वो वार्ड कोई भी हो, सभी कैंडिडेट, चाहे हमारे जो हैं अपने 4 नंबर वार्ड से सतवंत सिंह जी मेरे साथ खड़े हैं, आप देख रहे हो, 5 नंबर वार्ड से बबर कुमार जी खड़े हैं और 14 नंबर वार्ड से जगतार सिंह जी खड़े हैं, 13 नंबर वार्ड से विकास कुमार मेरे साथ खड़े हैं, लखविंदर सिंह मेरे साथ खड़े हैं 10 नंबर वार्ड से और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जैसे 6 नंबर से हमारे सुखबीर जी मेरे साथ खड़े हैं। आज वार्ड नंबर 6 सुखबीर जी, आप क्या बोलना चाहेंगे अपनी पार्टी के बारे और लोगों के बारे क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के थ्रू? देखो, संदेश तो ऑलरेडी पब्लिकली सबको पता ही है क्या है हमारा। हाँ जी, उसमें कोई बताने वाली बात तो है नहीं। हाँ जी, जो 20-25 साल जिस गवर्नमेंट ने जिस स्टेट पे राज करा है उसकी दशा देख लो जाके, और जहाँ पिछले 10 साल से हमारी गवर्नमेंट है दिल्ली में, आप वहाँ जाके देखो, यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मुश्किल से 2 हॉस्पिटल है, वहाँ मोहल्ला कॉलोनी की लाइन लगी पड़ी। हाँ जी, बिल्कुल, तो बेसिक तो सबको पता है जी, उसमें जो कोई बताने वाली लंबी चौड़ी कोई बात है नहीं। हमने तो लोगों ने बुलाया है, हम मैदान में आ गए, उनकी डिमांड थी, समय की डिमांड थी, हम आ गए। ठीक है सर, नेशनल चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।